हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी। और आज हम देखेंगे ये सामने वाला सीन, ये जो है लिविंग रूम। और जनरली इसका मॉडलिंग मैंने कर दिया है और इसमें मोस्ट प्रोबली मटेरियल्स और लाइटिंग्स ये कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे सिंपल सा सोफ़ा है जो हर प्रोजेक्ट में मैं यूज़ करता हूँ इसको। और यहाँ टेबल पर कुछ बुक्स वगैरह मैंने थोड़े से स्प्रेड किए हुए हैं। यहाँ मैंने डाली है ट्रेडमिल और वहाँ ऊपर है एक लाइट का सोर्स, यहाँ पे खड़ी है। और अगर आप गौर से देखोगे कि जो ऊपर का वाला जो झूमर है उसके ऊपर अपने को लाइट लगाना है, और बाहर मैंने सीन बेंड करके एक सीनरी लगाया है। आप कोई भी गार्डन वार्डन का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट ख्याल रहे जो हम गार्डन का सीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हम सेल्फ इल्यूमिनेशन मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वीरे का लाइट मटेरियल के ऊपर हम टेक्सचर दे रहे हैं ताकि बाहर से वो लाइट दिखे। वैसे हम लाइट लगाने वाले हैं बट एनी हाउ वो दिखना चाहिए बाहर से। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये जो कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है तो अभी के अभी नीचे लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि लाइक ऐसी चीज़ होती है कि मुझे वो पता चलता है कि आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। जिस प्रकार का मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहे, जो वो कैसे उसका रिएक्शन है वो मुझे लाइक से पता चलता है। और दूसरी बात, अगर आप नए हो चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरा वीडियो, तो नीचे लाल कलर का बटन है उसको ग्रे कर दो सब्सक्राइब करके, और नोटिफिकेशन को ऑल कर दो ताकि मेरे आने वाले सारे अपडेट्स वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँचेंगे और मैं आपसे कनेक्टेड रह सकता हूँ। सो और एक अपडेट देना चाहता हूँ, अभी हमने चालू किया है रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स देना, जिसमें हम पेन ड्राइव दे रहे हैं और उस पेन ड्राइव में आपको मिलेगा करीब करीब सारे 3D Max के फाइल्स और रिकॉर्डेड वीडियोस। इसमें रहेंगे 16 GB से भी ज़्यादा के ट्यूटोरियल्स और सारे एक्सरसाइज फाइल्स। इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ से लाइव लेक्चर्स, 6 या 7 लाइव लेक्चर्स रहेंगे। और इसके बाद में आप जब भी असाइनमेंट कंप्लीट करके आप मुझे भेजोगे, मैं आपको कुरियर से सेंड करूँगा यहाँ से ऑथोराइज्ड की फ्रेम्स एनिमेशन का सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको इस पेन ड्राइव के बारे में जानकारी लेना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो सिंपल एक घड़ी प्लेस की है और ऊपर लाइट के सोर्स लगाए हुए हैं, और एज सच इसमें मैंने फॉल सीलिंग का कुछ काम किया नहीं। जनरली मैं दिखाता हूँ फॉल सीलिंग और उसके लाइट्स दिखाता हूँ, बट इसमें मैंने कुछ रखा नहीं है, उसमें प्लेन रख दिया है। और ये मिरर है, मिरर को बॉर्डर दिया है स्वीप से। और यहाँ पे थोड़े थोड़े ऐसे ही शोपीस, और यहाँ TV है। सो जनरली अभी इस प्रोजेक्ट का जो अप्रोच है लाइट का, ठीक है ना, अभी इसका जो मैं हर प्रोजेक्ट में करता हूँ, इसमें से और थोड़ा सा एक अलग तरीके से मैं कर रहा हूँ। देखो आप जब भी करोगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे मैं नहीं करता जनरली। और सिखाते समय या करते समय अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो हमको और अच्छा सीखने मिलेगा। और ऑफकोर्स क्योंकि मैं वही चीज़ करके मैं खुद बोर हो जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसी चीज़ को अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मैं फ़ेल हो जाता हूँ, बहुत बार फेल हो जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे हर टाइम सक्सेस मिलता है। आपने कभी बहुत बार देखा भी होगा। सो मैंने अभी लिया है लाइट, ठीक है ना। और लाइट को मैं सिंपल मल्टीप्लायर थोड़ा सा हायर साइड रखता हूँ क्योंकि उसको ट्रैवल करना है बाहर से अंदर। और कलर कर देता हूँ ब्लू, और इसको इनविजिबल रखता हूँ, ऑफकोर्स ये दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम वो फंडा यूज़ नहीं करने वाले जो हमने पिछले बार यूज़ किया था, वो है स्काईलाइट पोर्टल का। तो थोड़ा सा और चेंज करेंगे ये जो अप्रोच है इस चीज़ को। सो आई विल इंक्रीज माय मल्टीप्लायर, मे बी लेट्स सी। वो अभी क्या होता है ना, एक बार रेंडर करने के बाद मैं जगह पे आता हूँ कि कौन सी चीज़ को क्या रखना है। सो नाउ आई जस्ट प्लेस इट। नाउ इट्स फाइन। अभी ये जो सोर्स है ना, इसके ऊपर मैं वीरे लाइट प्लेस करूँगा। और हर टाइम मैं प्लेन लेता हूँ, पर प्लेन के वक्त अभी हम क्या करेंगे, टारगेट यूज़ करेंगे टारगेट। और मैं पहले उसको उठा लेता हूँ ऊपर। हाँ, तो टारगेट इस्तेमाल करेंगे और अपने को वो जो कोन है ना, वो कोन शो करेंगे ताकि वो जो उसका जो फ्लो है
वो अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है, ये टारगेट, और टारगेट मैं उसको नीचे खींच लेता हूँ। और एक चीज़, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो प्रोसीजर है, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट, यू नो, कि कैसे काम करेगा, क्या आउटपुट आएगा, रेंडर के बाद पता चलेगा कि हम कितने पानी में। बट स्टिल देखना करके हर वक्त, अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, वो जो डायरेक्शनल का कोन है वो यहाँ से प्रीव्यू का मैं जो सिलेक्टेड रखता हूँ ताकि अपने को पता चले कि इसका फ्लो कहाँ से कहाँ आ रहा है। ये कोई ट्यूटोरियल में आपको जनरली दिखाई नहीं देगा कि ये क्या चीज़ है यार, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं करते। मेरा भी ध्यान नहीं गया था इस चीज़ पे, बट मैं जब भी एक इन डिटेल में चेक कर रहा था तो तभी मेरा ध्यान गया कि यस, वी कैन डू दिस काइंड ऑफ वर्क, कि जिसमें अपने को लाइट फ्लो कंट्रोल में रख सकते हैं। सो लेट्स सी। और मैंने ये इस टूटल के पहले मैंने इसको करके भी नहीं देखा है। सो जो कुछ भी होगा आउटपुट, ये डायरेक्टली अभी सामने का सामने देख लेंगे। ऑफ कोर्स उसको बुरा नहीं होने दूंगा, थोड़ा सा कंट्रोल कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो उसको हटा दूंगा। बट एनी हाउ उसका मैं वार्म रखता हूँ, ठीक है, कलर का थोड़ा वार्म रखता हूँ। मैं चाहिए तो उसको टेम्परेचर भी लगा सकता था, बट नेवर माइंड, टेम्परेचर इस वीडियो में नहीं लगाऊंगा। लाइट को ऐसे ही कंट्रोल करूँगा, आई जस्ट मूव दिस लाइट परफेक्टली, और ये करता हूँ ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, इतना तो ठीक है। और सिलेक्शन लाइट का मैंने रखा है ताकि मैं परफेक्टली उसको लाइट को सिलेक्ट कर सकूं। देन आई कैन जस्ट मेक अ इंस्टेंस। इसको मैं ठीक है, फॉल्स सीलिंग का लाइट करके इसको नाम देकर मैं इसका कॉपी निकालता हूँ, कॉपी इन इंस्टेंस, और परफेक्टली बिठा देता हूँ। मैं लाइट्स को थोड़ा सा पोजीशन करते वक्त ना याद रखो, थोड़ा संभाल के करना, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, वो पता चलता है कि सोर्स अलग है और लाइट का, लाइट हमने थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में उसको सेट कर दिया है। तो ये जो टारगेट है ना, टारगेट को मैं मूव करके अंदर डालता हूँ, और इसका भी मैंने कॉपी ले लिया। ठीक है, ये तो अपने 400 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। और सिंपल कैमरा है, वीरे का कैमरा भी नहीं लिया है, स्टैंडर्ड कैमरा लिया है। और गो टू वीरे, बकेट विड्थ को मैं थोड़ा कम करता हूँ, हर टाइम कम करता हूँ। ठीक है, सो इरेडियंस मैं अप्लाइड केश, यहाँ से मैं चेंज करके लो रखता हूँ ताकि आउटपुट जल्दी आ जाए। गो टू 50 और ये रखता हूँ। ऊपर से थोड़ा वैल्यू कम ही होना चाहिए, आधे से थोड़ा ज़्यादा, आधे से थोड़ा कम, राइट, आधे से थोड़ा कम रखता हूँ। और यहाँ पे सब ड्यूस करता हूँ 500, ये क्या बोलते हैं अपना, टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। सो मुझे इतना ज़्यादा सब ड्यूस की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे कर दिया है एक्सपर्ट, और आई विल यूज़ कॉन्जर्व मेमोरी, आई डोंट वांट यूज़ मेमोरी फॉर हेयर।
ठीक है, ये कर देता हूँ मैं यहाँ से ज़ीरो। डायनामिक लिमिट मेमोरी जो है वो ज़ीरो रखने के कारण अपने कंप्यूटर में जितना भी रैम है वो खुद डिसाइड करके वो यूज़ करेगा। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इट। सो डोंट पुट अ वैल्यूज़। सो उससे क्या होगा, अगर मेरा 16 GB का रैम है वो अपने आप उसको वो बफर लेगा कि उसको 10 GB यूज़ करना है, 12 GB यूज़ करना है, वॉट एवर इट इज़। सो लेट देम डिसाइड, बिकॉज नाउ डेज वीरे इज़ एम्बेडेड विथ AI। ये आपको आपका एक अपडेट आपको बोलता हूँ कि अभी धीरे धीरे AI अभी बहुत बढ़ते जा रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या होता है कि वो खुद डिसाइड करता है कि मेमोरी कैसा कितना एलोकेट करना है। ठीक है, अभी तो जो आ रहा है फ्लो वो तो सही आ रहा है। बाहर का लाइट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बट एनी हाउ वो अभी इसका कारण ये है कि मैंने स्टैंडर्ड कैमरा यूज़ किया है, क्योंकि रियल रियल एक्सपोजर वीरे कैमरा ही लेता है। सो ये कुछ दिख रहा है ऐसे, इसमें बहुत सारे चेंजेस, मतलब लाइट का ही चेंजेस, मोस्ट प्रोबली लाइट का ही चेंजेस होगा, क्योंकि लाइट ही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ, लाइट बर्न भी हो रहा है। हमारे पास एक्सपोजर कंट्रोल नहीं है, सिंपल है, उसका लाइट का वैल्यू कम करते हैं, उससे क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, लाइट का कम होगा तो एक्सपोजर भी नहीं होगा इतना। सो वी डोंट हैव टू गेट दैट क्या बोलते हैं वो एक्सपोजर वैल्यूज़ एंड ऑल। अल्टीमेटली वो सब करने के बाद अपने को रिजल्ट एकदम अच्छा आएगा, दैट्स इट। सो बाहर का भी थोड़ा लाइट कम कर दिया, ओवरऑल थोड़ा सा एक्सपोजर हमने कम कर दिया है लाइट का जो मल्टीप्लायर्स है वो हैंडल करके। सो ना समथिंग वेरी, लेट्स सी, डार्क ब्लू करके देखते हैं कि कैसा उसको फील कैसे आ रहा है। ऐसे ही आप भी करके देखो, जब भी आप करते हो ना मूड लाइटिंग करके देखो, इफ़ यू फील नहीं हो गया, ख़राब हो गया, छोड़ दो, चेंज करने को कितना टाइम लगने वाला है, पर एक्सपेरिमेंट किया करो, दैट्स इट। क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा इस फील्ड में, एक्सपेरिमेंट करते ही रहना चाहिए, सीखो, फेल हो जाओ और सीखो। ठीक है, मैंने उसका कलर और थोड़ा कम कर दिया, आई डोंट फील कि वो इतना अच्छा दिख रहा है ब्लू में, बट येस ब्लू थीम भी कर सकता था, बट नाउ दिस लुक्स गुड एक्चुअली। येस, सैम्पलिंग तो ठीक है, सब ड्यूज तो खुद एडजस्ट कर लेगा। होने दो, होने दो, रेंडर को होने दो। सो जो लाइट का जो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन आ रहा है वो तो सही दिख रहा है। अभी एक टीडीएस काम ऐसा है, ये स्पीयर ना एक एक करके बिठाने हैं, वो जो ऊपर के लाइट्स के ऊपर जो बल्ब होगा ना उसके ऊपर। याद है अगर आपने पिछला मेरा टोटल देखा होगा कि मैंने उसमें एक डाइनिंग रूम था, उसके ऊपर जो झूमर था वो यही सेम झूमर है जिसमें मैंने लाइट डाला था। अभी अगेन वो मॉडल मैंने लाया पर उसके लाइट्स नहीं लाए थे, तो लाइट्स आपको दिखाने थे इसके लिए मैंने उसको लाइट्स डिलीट कर दिए, बट ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को। वो बाद में ही देख लेंगे इसका इंटेंसिटी हम कितना रखेंगे। नाउ विल जस्ट इंक्रीज द रेडियस ऑफ द लाइट सो दैट वी कैन सी वो जो बीच में बराबर बैठना चाहिए। ये भी सही है। ओके, सो नाउ इन आइसोलेशन मोड। अभी उसके ऐसे 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 बाहर ब्रांचेस हैं, वो लेफ्ट से टॉप से उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बिठा लेता हूँ, बिठाने के बाद फिर उसको रोटेट करते रहेंगे तो वो आसान रहेगा।
पे खाली लाइट्स ले लेता हूँ, ताकि मैं खाली लाइट्स ही सिलेक्ट करूँ। बार बार उसको मैच सेलेक्ट करके डिस्टर्ब होता है। और एक कॉपी निकाल दिया। इसके बाद मैं ना एक्चुअली इसकी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, जल्दी मैं इसकी सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें कम से कम पूरे स्टार्ट से लेकर इंटीरियर कैसे बनाना है, उसको टेक्सचर कैसे करना है और पूरा लाइट्स कैसे करना है, ये पूरा सीरीज़ मैं बना के जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ आने वाले दिनों में। इसको मैंने कॉपी तो कर लिया है, अभी जस्ट इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। सारे चीज़ को हमने रोटेट कर लिया। एक्चुअली मैंने उसका पिवट पॉइंट मूव किया था, ठीक है, और उसका पिवट पॉइंट बीच में रख के उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है ना, इतना सारा डुप्लीकेशन करते वीडियो बनाना उसी का, मतलब वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसके लिए मैंने वो पार्ट कट कर दिया। और पार्ट करने के बाद मुझे ध्यान में आया कि मैंने उसका पिवट पॉइंट चेंज कर दिया इस बीच में, इसके लिए वो रह गया। इसके लिए मैं उसका पिवट पॉइंट बीच में रख के प्रॉपरली उसका सारे लाइट्स की कॉपी निकाल सकता हूँ, ताकि अपना टाइम ना जाए। प्लेस तो लाइट्स हो गए हैं, जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ कि किधर एक खत गैप तो नहीं रह गया। ओके, एक मिसप्लेस तो नहीं है ना, ठीक है, आइसोलेशन से बाहर आता हूँ। और थोड़ा सा कलर को टुवर्ड्स वार्म रखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रख के देखते हैं। बट देखो एक्चुअल में देखा जाए ना, मैंने जो रेंडर आउटपुट अभी मैंने देखा है ना, उस पर थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता तो भी चल जाता, ठीक है। तो ऊपर थोड़ा सा लाइट छोटे छोटे बल्ब्स का अगर वो येल्लोइश आता है, वो टिंट आता है, देखेंगे अभी करके तो ध्यान में आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर उसका शेडिंग गिरना चाहिए, जो अभी मैं रेंडर कर रहा हूँ थोड़ा सा कम आ रहा है। सो लेट्स वेट। ये हो गया है रेंडर। मैं जो वो लाइट का बोल रहा था ना, वो जो मैंने लाइट प्लेस किए थे, अगर यहाँ देखोगे आप कि ऊपर जो इन द सेंस जो मैंने झूमर लगाए हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे वार्म लाइट होना चाहिए था, तो मैं वो कर दूंगा और उसको वापस री रेंडर कर दूंगा। पर अगर आप अगर करते हो ऐसी लाइटिंग, तो याद रखना कि अगर आपको थोड़ा सा वार्म लुक रखना चाहिए, क्योंकि हम लाइट ऑन किया है, भले वो डे लाइट रेंडर है, पर सामने से मुझे लाइट दिख रहा है कि वो चालू है करके, ठीक है ना। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक पक्का करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।